पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना जिले की मुख्य खबरों से। नियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलटा, एक की मौत एक गंभीर। मां कलेही के दरबार में परिणय सूत्र में बंधे 73 जोड़े। अली जिले की अलग अलग जगह मौसम ने बदला मिजाज। अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलटा, एक की मौत एक गंभीर। नेशनल हाईवे 39 पर देवेंद्र नगर के पास वेयर हाउस के पास की घटना। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 12 जून की दोपहर 1:30 में लगभग राष्ट्रीय राजमार्ग 39 में सतना से पन्ना छतरपुर की ओर जा रही पिकअप वाहन क्रमांक MP16GA1260 बड़ा गाँव वेयर हाउस के आगे वाहन क्रॉसिंग होने पर पिकअप पुलिया से टकरा कर पुलिया के नीचे गिरी, जिससे वाहन गहराई में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें पिकअप में बैठे 17 वर्षीय युवक अमर अवस्थी पिता सत्यनारायण अवस्थी निवासी छतरपुर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिकअप चालक रोहित सिवरे पिता उत्तम सिवरे उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम बट चौकी गोसली जिला छतरपुर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला चिकित्सालय पन्ना रेफर कर दिया गया है। मां कलेही के दरबार में परिणय सूत्र में बंधे 73 जोड़े। एक विकलांग और एक तलाकशुदा जोड़े का भी हुआ विवाह। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह निकाय योजना के तहत मां कलेही मंदिर प्रांगण में जनपद पंचायत पवई द्वारा बुधवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 73 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। एक जोड़ा विकलांग व एक तलाकशुदा जोड़े का भी विवाह संपन्न हुआ। इस योजना के तहत विवाहित जोड़े को शासन द्वारा 51,000 रुपये की राशि दी जाना है, जिसमें 48,000 रुपये वधु के खाते में जमा होंगे और 3,000 विवाह खर्च में काटे जाएंगे। साथ ही विकलांग एवं तलाकशुदा जोड़े को शासन द्वारा अलग से राशि प्रदान की जानी है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक प्रहलाद लोधी रहे, जिन्होंने वर वधु को आशीर्वाद सहित उपहार स्वरूप घड़ी भेंट की। सामूहिक विवाह सम्मेलन में जनपद पंचायत CEO सतीश सिंह नागवंशी, अजय देव बुंदेला उपाध्यक्ष, ब्रजपाल भोलू बागरी, श्री महदेली विधायक प्रतिनिधि लोकनाथ बागरे BPO, RD पटेल APO, KK तिवारी, विनोद पाठक, नरेंद्र सिंह, अनिल सक्सेना, अवधेश मिश्रा, चंद्रभान राजपूत, प्रवीण चौबे, रमेश बागरे आदि जनपद स्तरीय समस्त कर्मचारियों का सहयोग रहा। संपन्न हुए और क्या क्या दे रहे हैं विभाग वालों को बताएंगे? आज जनपद पंचायत पवई अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह और निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन मां कलेही प्रांगण पवई में किया जा रहा है। इसमें हमारे विभिन्न पंचायतों से आए हुए 73 जोड़ी जो है कन्या का वर वधु का शादी हो रहा है। इसमें आज मुख्य अतिथि माननीय क्षेत्रीय विधायक प्रहलाद लोधी जी हैं और जनपद की तरफ से वर वधु को साड़ी, ब्लाउज और वरमाला, मुकुट ये दिया जा रहा है और बाकी भोजन की व्यवस्था वगैरह की गई है। शासन के द्वारा क्या दिया जाता है? शासन के द्वारा इनको 48,000 रुपये की राशि कन्या के खाते में दी जाएगी और 3,000 की राशि जो है ये व्यवस्था के लिए जनपद पंचायत को प्राप्त होगी। इसमें कुछ विकलांग भी आए क्या जी? विकलांगों का भी? हाँ, एक जोड़ी हमारे यहाँ विकलांग वर वधु का विवाह हो रहा है, उनको अलग से राशि दी जाएगी, 1,00,000 रुपये की राशि उनको अलग से मिलेगी। और इसके अलावा एक परिपक्वता भी है, उनकी भी शादी यहाँ हो रही है। अलीगढ़ में अमानवीय कत्ल एवं हत्या के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। बीते दिवस उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ शहर में 3 साल की मासूम का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में बीते 11 जून को कैंडल मार्च निकाला गया एवं शोक श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही आरोपियों को फांसी दिलाए जाने की मांग की गई। इस कैंडल मार्च में मधु गुलाब सोनी, संतोष कुशवाहा, विष्णु मिश्रा, अरुण नगायच, ज्योति नगायच, सत्यपाल बागरी, अभिषेक नामदेव, देवा खटी, गणेश डेगरे, शिवा सोनी सहित सैकड़ों युवा एवं महिलाएं मौजूद रहीं।
मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम का पंजीयन आज से प्रारंभ। प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पन्ना डॉक्टर आर के चौधरी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पन्ना में संचालित डिप्लोमा पाठ्य मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। इस पाठ्यक्रम में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वर्ष प्रवेश के लिए पंजीयन 13 जून से प्रारंभ हो जाएंगे। यह पंजीयन MP ऑनलाइन के किसी भी कियोस्क केंद्र से कराया जा सकता है। प्रवेश में छात्राओं को नियमानुसार वरीयता प्रदान की जाएगी। डाक विभाग भर्ती संबंधी फोन कॉल या मैसेज नहीं किए जाते। अधीक्षक डाकघर छतरपुर संभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश डाक परिमंडल में डाक संभागों, रेलवे डाक सेवा संभागों में ग्रामीण डाक सेवा सेवकों की ऑनलाइन भर्ती की प्रथम चरण की प्रक्रिया की गई थी, जिसके परिणाम पर 6 दिसंबर 2018 को घोषित किए गए थे। इस संबंध में आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपका चयन होने संबंधी फोन कॉल मैसेज प्राप्त होता है और आपसे चयन हेतु रुपए की मांग की जाती है, तो कृपया सावधान रहें। डाक विभाग द्वारा चयन होने की राशि जमा कराने के लिए कोई भी फोन कॉल या मैसेज नहीं किया जाता है। यदि आपका चयन होता है तो आपको SMS के माध्यम से सूचना भेजने के उपरांत नियुक्ति अधिकारी द्वारा सीधे पत्राचार किया जाता है। अतः कोई भी आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं मोबाइल नंबर किसी को न दे। जिले की अलग अलग जगह मौसम ने बदला मिजाज। मौसम में आए अचानक परिवर्तन से लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिला है। जिले में प्री मानसून की बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। दोपहर तेज गर्मी के बाद शाम से बने घने बादलों ने जोरदार की बारिश की। बारिश के साथ तेज हवाएं चली। रेपरा तहसील में तेज बारिश के साथ हवाएं चली, तो वहीं अमानगंज में बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चली। सिमरिया पवई क्षेत्र में बारिश हुई, वहीं शहर में भी हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया। PHN की खबर का हुआ है असर। पानी पर पलायन की खबर दिखाए जाने के बाद नींद से जागा प्रशासन। लगभग 250 लोगों ने गांव में पानी की किल्लत के चलते किया था पलायन। पन्ना में PHN की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि पन्ना जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे छापर गाँव में भीषण गर्मी में पानी की काफी समस्याएं थी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए 3 से 4 किलोमीटर दूर पानी भरने को जाना पड़ रहा था, जिस कारण से गांव के लगभग 250 लोग गांव से 20 किलोमीटर दूर ककरेटी में पलायन कर गए थे। गांव में मात्र 3 लोग ही शेष बचे थे। इस मामले को PHN ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कुंभकर्णी नींद से सोया प्रशासन जागा और गांव में आनन फानन में बोर करवाया गया, तब जाकर लोगों को पानी की किल्लत से छुटकारा मिला। गाँव में हैंडपंप लगे हुए थे, लेकिन उनसे महज 1 या 2 डब्बा ही पानी निकलता था, जिस कारण यहाँ के लोग चिलचिलाती धूप में 3 से 4 किलोमीटर दूर पानी भरने जाया करते थे। लेकिन अब गांव में नया बोर हो जाने से ग्रामीणों की पानी की समस्या का समाधान हो गया और लोगों को पर्याप्त पानी मिलने लगा। मतलब आप गए देखा समस्या, हम 250 लोग रहे वहाँ, तो उसे मतलब कोई ना बचे, 3 लोग बचे और बाकी चले गए अंत पानी के कारण। वो आप है तो मतलब आपने जो कार्यक्रम उठाया है तो मतलब बोर हो गया है, अच्छा सब सुविधाएं हो गई, पानी अच्छा मिल रहा है, तो मतलब वो बढ़िया है। पानी ना है तो पानी मतलब 1.5 गुम्मे ने करता था, तो इसके कारण ना हम मवेशी मारते थे हम भी, तो इसके कारण चले गए। आप सुविधा कर रही शासन में तो मतलब चल रहा है, हाँ बोर हो चुका। दोनों से हमने रिपोर्ट किया था, उस समय ये बताया गया था कि वहाँ 3 हैंडपंप थे जिसमें 2 चालू थे, लेकिन पुनः जब आप लोगों ने जब हमें बताया कि वहाँ पर 2 जो हैंडपंप जो चालू थे उसमें भी अब पानी निकलना लगभग बंद हो चुका है। पुनः कल EPHC ने वहाँ पर जाकर देखा था और उन्होंने शिकायत किया कि वहाँ जो पानी है वो बहुत थोड़ा थोड़ा रूप से निकल रहा है, जो काफ़ी समस्या है। वहाँ पर एक हैंडपंप सेंक्शन हुआ है और
और आज शाम को वहाँ पर एक हेल्पर जाएंगे। 625 नंग सागौन के पेड़ कटने के मामले में जांच करने भोपाल से आई वन विभाग की राज्य स्तरीय स्काई फोर्स ने एक डिप्टी रेंजर और एक बीट गार्ड को किया सस्पेंड। पन्ना टाइगर रिजर्व से लगे बफर जोन एरिया का मामला। प्रशासन को चुनौती बने रेत माफिया दो जिलों को जोड़ने वाले पुल के नीचे से मशीन लगाकर निकाल रहे रेत। पुल ढहने का बड़ा खतरा, जिम्मेदार मौन। जिले में चल रहा रेत का काला कारोबार शासन प्रशासन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। पन्ना के अजयगढ़ में रेत माफिया प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बने हुए है। कई बार इस अवैध कारोबार पर नकेल कसने की कोशिश की गई, लेकिन रेत माफियाओं को रोकना संभव नहीं हो पाया। चुनाव की आचार संहिता के दौरान यह कारोबार कुछ हद तक ठप हो गया था, लेकिन आचार संहिता हटते ही यहां फिर अपने अमल रूप में आ गया। केन नदी पर अवैध घाटों में मशीनों द्वारा दिन रात रेत का उत्खनन जारी है। काम में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए रेत माफियाओं ने कई जगह नदी की जलधारा को ही मोड़ रखकर अपने मनमाफिक बना दिया है। बात यही खत्म नहीं होती। कुछ साल पहले बीरा से चंदला को जोड़ने के लिए केन नदी पर करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए पुल के नीचे अंजाम की परवाह किए बगैर रेत माफियाओं के द्वारा LNT और JCB मशीन लगातार रेत उत्खनन किया गया है। पुल के ठीक नीचे मशीनों से रात दिन उत्खनन कर सैकड़ों ट्रक और डंपरों से रेत बाहर भेजी जा रही है। पुल के एक छोर पर पन्ना जिले के वीरा घाट में बेतहाशा रेत निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी छतरपुर जिले से रेत माफियाओं के द्वारा पुल के दूसरे छोर से रेत निकाली जा रही है। इस मामले की जानकारी खनिज विभाग प्रशासन व लोक निर्माण विभाग को है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने आग पर पट्टी बांध रखी है। उत्खनन होने से पुल के पिलरों की जड़ें निकल आई हैं। यदि जल्द पुल के नीचे रेत का उत्खनन रोका नहीं गया तो कुछ ही समय में यह पुल धराशायी हो सकता है। प्रदेश के मुखिया कमलनाथ बनाएंगे पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून, लेकिन उनके ही पुलिस वाले कर रहे पत्रकारों पर फर्जी मामले दर्ज। ठेकेदारों के बाहुबल धनबल और रसूख से में थाना प्रभारी की कार्रवाई। ठेकेदार और थाना प्रभारी की सच्चाई दिखाना पत्रकारों को पड़ गया महंगा। देश के चौथे स्तंभ पर चिंताओं के बादल और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पुलिस की मनमानी कोई नई बात नहीं है। लगातार जिस तरह से कुछ दिनों से समूचे देश में पत्रकारों के ऊपर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी पत्रकारों के ऊपर हुए पुलिसिया कार्रवाई पर समूचे देश में पत्रकारों में आक्रोश देखा गया है और पुरजोर विरोध किया जा रहा है। लेकिन अब मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। एक TV चैनल के पत्रकार के द्वारा जब पन्ना जिले के ब्रजपुर थाना स्थित सिरसोहा स्थित छोटी नदी पर रामकिशोर मिश्रा कंस्ट्रक्शन के द्वारा एक ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा था। जैसे ही वहां से पत्रकार साथी गुजरता है तो वहां पर नाबालिग बच्चों को कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता हुआ देखते हैं।
जिसकी कवरेज के लिए उसने अपने मोबाइल से वीडियो और फोटो खींचने का प्रयास किया, लेकिन तभी ठेकेदारों के द्वारा पाले गए गुंडों ने पत्रकार पर सीधा हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट और अभद्रता चालू कर दी। पत्रकार को देख लेने की धमकी दे डाली और जैसे ही पत्रकार साथी ने मदद के लिए पुलिस को फोन किया, वैसे ही ठेकेदार के गुंडे मौके से फरार हो गए और जिसके बाद पत्रकार साथी के द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया गया। हमारे एक पत्रकार साथी अमित सिंह जी हैं और वो एक निर्माण कार्य चल रहा था जिसमें भारी व्यापक पैमाने पर जो है अनियमितताएं की शिकायतें थी, उसको कवरेज करने के लिए गए। वहाँ पर नाबालिग बच्चे काम कर रहे थे तो एक ठेकेदार ने मिल करके जो है हमारे पत्रकार साथी के ऊपर ये फर्जी मुकदमा जो है भरतपुर थाने में दर्ज कराया है। और हमारे पत्रकार साथी के ऊपर जो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है उसके विरोध में हम लोग आज एसपी साहब से यहाँ पर मिलने आए और हम लोगों ने मांग की है कि जो धाराएं जो है बगैर उससे मतलब ऐसी धाराएं लगाई गई है जो गैर जमानती धाराएं हैं और पूरा प्रकरण फर्जी है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और उसमें जो है निष्पक्ष जांच करते हुए और हमारा वो मुकदमा खत्म किया जाए। कल दिनांक को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ब्रजपुर में एक सड़क निर्माण करते हुए ठेकेदार की और एक पत्रकार की आपस में कुछ मारपीट हुई थी, जिस पर से दोनों पक्षों की ओर से ब्रजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर आज कुछ पत्रकारों ने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने कुछ बिंदुओं पर जांच की मांग रखी है और इस ज्ञापन को स्वीकार करते हुए जांच का आश्वासन दिया गया है। और जब तक जांच में जो बिंदु है उन पर तथ्य नहीं आ जाते तब तक विवेचना जारी रहेगी और तब तक किसी भी कोर्ट से रक्षा नहीं होगी। सर, राज्य शासन का ये कहना है कि पत्रकार के ऊपर डायरेक्ट FIR रजिस्टर्ड नहीं होती, जाँच की जाएगी पहले, क्या है ये पूरा विषय सर? जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं वो की मौके पर जाके घटना का पूरा कवरेज करते हैं, इसलिए उनको हम लोग ये प्रेफरेंस देते हैं कि कोई गलत प्रकार की उन पर FIR नहीं हो जाए, गलत प्रकार की कार्रवाई नहीं हो जाए, इसलिए हम अनावश्यक कोई झूठी FIR उन पर नहीं हुई इस प्रकार सूचित करते हैं। लेकिन यदि कोई घटनास्थल पर कोई ऐसी चोट किसी को लगती है या कोई डायरेक्ट ऐसा कोई बड़ा हादसा होता है या कोई मारपीट होती है उसमें कोई डेट फरियादी अगर रिपोर्ट करने आता है और पर्याप्त साक्ष्य इस पर से पाए जाते हैं कि घटना घटित हुई है, FIR पंजीकृत करी जाती है, लेकिन उसमें जो गिरफ्तारी है उस पर विवेचना के उपरांत ही गिरफ्तारी करते हैं और जो हमारा चालान है वो बेसिकली हम वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करके अनुमति प्राप्त करते हैं। थैंक यू। बिना विद्युत कनेक्शन के लोगों को थमाए जा रहे बिजली की बिल, आज़ादी के बाद भी गाँव में नहीं है लाइट। मामला जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर बसे छापर गाँव का। MP अजब है और पन्ना गजब है। देश में पन्ना ऐतिहासिक मंदिर, झीलों और बेशकीमती हीरों के लिए जाना जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि यहाँ के कई गांव में आज भी लाइट नहीं है। आज जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गांव में आज़ादी के बाद सब लाइट का ना होना डिजिटल इंडिया की पोल खोल रहा है। के बासंदा है, वो 4 महीने के बिल आए हैं, वो खम्भा है नहीं और डोरी है नहीं, उसे आकर के मौका में जांच कर लिया गया। 6 आदमी थे जो 4 महीना के आए हैं। हम लाइट चाहते हैं कि लाइट आओ, चाहे नहीं है लाइट नहीं है और बिल आ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ जी, बहुत दिक्कत हो रही है सर जी, अब लाइट नहीं है सो दिक्कत है, अंधेरे में रहते हैं हम लोग, बिल आ रहे हैं 4 महीने से आ रहे बिल, 6 आदमी के आए हैं। ये सुविधा चाहते कि लाइट आ जाए, भेज दिए हैं सर जी, मजदूरी करते हैं दिन रोजा जी, बिन लाइट के बिल भेज रहे हैं, तो समस्या खराब है जी। हाँ, जब ये शिकायत प्राप्त हुई कि छापर ग्राम में करीब 6-7 कनेक्शनों के बिल जारी हुए हैं, छापर ग्राम में चूंकि हमारा आवेदन अभी वन विभाग में पेंडिंग है, हम वहाँ बिजली नहीं ले जा पाए और उसके हम प्रयास कर रहे हैं कि हम वहाँ बिजली पहुंचा दें। इनके सर्वे हो गए थे और ऐप में जब इनके सर्वे को निकाल कर हमने पंचिंग करते हैं तो किसी दूसरे ग्राम के नाम के साथ मिसमैच होने की वजह से इन 6 कनेक्शंस की पंचिंग हो गई थी। इन्हें जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई है तो इन बिलों को निरस्त कर दिया गया, दुरुस्त कर दिया गया। अब इन्हें आगे वाले समय में तभी बिल जारी होंगे जब वहां पर बिजली पहुंच जाएगी। लगभग 1 वर्ष से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर हम बिजली के पहुंचाए। जब हम वहां पर काम करने गए तो पता चला कि वन विभाग से इसकी संबंधित से अनुमति लेनी होगी, तो उससे संबंधित आवेदन ऑनलाइन माध्यम से हमने कर दिया है।
ये अभी उनके पास पेंडिंग है और शीघ्र ही जैसे ही हमें वहां पर अलाउ करते हैं, हमें अनुमति मिलती है, हमारे सारे वर्क ऑर्डर्स हैं, सारे कार्य के लिए सामग्री आवंटित है, कार्य को कराकर इन छापर और इसके अलावा एक कोटा गुंजनपुर और गहरा इन तीन ग्रामों में बिजली पहुंचा दी जाएगी।